नारायण श्रीधर बेंद्रे, जो कि समकालीन भारतीय चित्रकला में एन.एस. बेंद्रे के नाम से प्रख्यात चित्रकार हैं, और अपने 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया है। और आपके जो चित्र हैं उसमें स्त्री पुरुषों के ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयाम तथा नारी के सौंदर्य के रूपांकन में कैनवस को बहुत ही बखूबी अंकित किया है। बेंद्रे का जन्म 1910 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने राजकीय कला विद्यालय इंदौर से ही ली थी। 1933 में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त करी थी, और यही राजकीय कला महाविद्यालय थे, वहीं पर डी.डी. देवलालीकर एक बहुत प्रख्यात कला विद्या शिक्षक थे, उनसे उन्होंने कला का शिक्षण भी प्राप्त किया। और इस शिक्षण के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने दृश्य चित्रण में सबसे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, और ऐसे चित्रों में हर की पौड़ी, हरिद्वार और बनारस के घाट, ओमकारेश्वर आदि चित्रों का निर्माण बेंद्रे ने किया। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट डिप्लोमा उन्होंने लिया बंबई से, जो कि 1934 में उन्होंने किया। तो कला शिक्षा के समाप्ति के पश्चात बेंद्रे ने फिर अपना स्वतंत्र रूप से सृजन करना प्रारंभ कर दिया, और इसी दौरान कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में उन्होंने कलाकार जो है पत्रकार के रूप में एक 3 वर्ष तक कार्य किया। इसीलिए वही वहां के जो प्राकृतिक दृश्य थे कश्मीर के, उनसे वे बेहद प्रभावित हुए, तो अनेक दृश्य चित्रों का भी निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए, और बेंद्रे के प्रारंभिक चित्रों में इंदौर की जो खासी शैली का प्रचुर प्रभाव नजर आता है। इसके बाद के समय में उन्होंने दृश्य चित्रण, तेल चित्रण, गोचर शैली को अपनी अभिव्यक्ति के बहुत ही करीब पाया। उनकी एक कलाकृति थी कांटे नाम की, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था, और यह कलाकृति यूरोपीय आधुनिक शैली और पारंपरिक भारतीय शैली के संयोग से उन्होंने निर्मित करी थी। अब हम बात करें तो 1945 के आसपास वे नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि स्वयं एक प्रख्यात भारतीय कलाकार रहे हैं, उन सभी के साथ वे शांति निकेतन में रहे। और शांति निकेतन के बाद में फिर वे बड़ौदा चले आए, और 1950 से 66 तक उन्होंने बड़ौदा के कला संकाय में अध्यापन किया। तो वहीं पर फिर वे डीन के पद पर पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, और अपने अंतिम समय तक चित्रकारी भी करते रहे। और यही वो समय था बड़ौदा का ही, जो उनके करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। और इस वक्त उन्होंने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट भी जो किए वो जो क्यूबिस्ट आर्ट मूवमेंट था, एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट था, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट, इन सभी की टेंडेंसीज को लेकर इन्होंने अपने आर्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इस तरीके से बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को कला शिक्षा भी दी, लगभग 16 वर्ष तक वे वहां रहे, और साथ में अपना आर्ट करियर भी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये बड़ौदा का ही लिया हुआ है, वहीं का महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, 1959 का ये फोटो है, जहां पर वे पेंटिंग स्टूडियो में अपना एक डेमो दे रहे हैं। इसके बाद बेंद्रे को 1934 का समय था जब सबसे पहली बार उनके काम की ओर लोगों का ध्यान गया, तब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था, और इसी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से बाद में उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से बेंद्रे जो थे अपनी विशिष्ट बेंद्रे शैली की वजह से भी सब जगह जाने गए। इस बेंद्रे शैली के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। फिर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अन्य जो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिकी एग्जीबिशन होती है उसमें वे जूरी के रूप में भी चुने गए, और यही वो समय था जब 1956 के आसपास जो बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बना था, और जो ललित कलाएं निर्मित हो रही थी, तो ललित कलाओं के फॉर्मेशन में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। फिर 1984 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के हम्पन गंगन
गगन पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया। फिर उसके बाद तो उनका यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने यूएसए की यात्रा करी, न्यूयॉर्क के विंडरमेयर गैलरी में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी करी। हालांकि वे न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला के बारे में अध्ययन कर चुके थे, ये बात है 1947 से 1950 के आसपास की, तो उन्होंने प्रिंट मेकिंग में वहां पे न्यूयॉर्क में स्टडी किया था और ये स्टडी के लिए उन्हें जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन आर्टिस्ट की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला था। इस तरीके से फिर वहीं पे उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई। इसके बाद तो वो पश्चिम एशिया और लंदन, जापान आदि देश भी गए। 1992 में उनका निधन हो गया था। अब उनकी कला की बात करते हैं तो बेंद्रे ने प्राय सभी माध्यमों में काम किया, जैसे तेल रंग में भी काम किया, पेस्टल कलर, जल रंग आदि सभी में काम किया। और जो उनकी शैली थी, मौलिक शैली, वो बेंद्रे शैली के नाम से भी कला प्रेमियों में बहुत ही प्रेरणा का विषय हमेशा से बनी रही। और बेंद्रे प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो इनके चित्रों की जहां तक बात है, तो इनके चित्रों में जो संयोजन होते थे वो बहुत ही कहना चाहिए मानव आकृति और स्टिल लाइफ के संयोजन थे और थोड़े थोड़े क्यूबिस्ट कार्य, क्यूबिस्ट घनवादी कार्यों की तरह दिखते थे। और इनके जो चित्रों के विषय हैं, ये विषय आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण से हैं, जैसे माँ और बच्चा है या ग्रामीण लोग हैं, इस तरीके से बहुत साधारण विषय उन्होंने अपने चित्रों के लिए चुने। उन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए, देख ही रहे हैं कि इस तरीके से पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी उन्हें महारत हासिल थी। फिर जो इनके संयोजन थे, कंपोजिशन थे, वो बहुत ही आधुनिक पद्धति में बनाए थे इन्होंने। जो चित्रों में नारियां चित्रित हैं वो मॉडर्न स्टाइल में तो है ही, किंतु भाव और भंगिमाएं जो हैं उन पर भी भारतीयता की छाप हमें साफ नजर आती है। जैसे माँ और बच्चा है, दैनिक जीवन के काम करते हुए चित्र हैं, और मात्र मानवाकृतियों से ही बेंद्रे ने इस तरीके का मात्र प्रेम नहीं दिखाया, वरन साथ में कई चित्रों में उन्होंने पशु आकृतियों को भी, भावनाओं को भी सफलतापूर्वक अंकित किया है। बहुत ही साधारण से विषय, परंतु उनकी जो अंकन की पद्धति वो बहुत ही मौलिक है। तो 1979 ईस्वी में उनके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी लगी, जिसमें उनके जीवन भर के सभी चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। और इसी दौरान दिल्ली ललित कला अकादमी से उन्हें फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से आपके चित्रांकन की जो शैली है वो बेंद्रे शैली नाम से विख्यात हुई। और मुंबई में जब वे काम कर रहे थे तो जो गली कूचों में, बाजारों में घूमने वाले लोग होते थे, साधारण आदमी थे, वो उनके मॉडल के रूप में भी उनके काम आते थे, ताकि वो उनकी भावभंगिमाओं, उनके आचार विचार और कि बड़े बारीकी से इसे उनकी चित्रांकन कर सके। उन्होंने कई जगह लिखा भी है कि कला को मैं दो उद्देश्यों से चित्रित करता, एक तो यह है कि मेरा चित्र कम्युनिकेट हो सके और दूसरी बात यह कि मैं कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकूं। इस तरीके से उन्होंने अपने चित्रों को बहुत ही साधारण और आम जन लोगों के लिए कम्युनिकेबल बनाया, ताकि उन्हें समझने में और उसे पहचानने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और साथ ही एक कलाकार के रूप में वे अपने आप को भी अभिव्यक्त कर सके। उनके बहुत से काम जो है देश की प्रमुख कला दीर्घाओं में, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में और बहुत से संग्रहालयों में संग्रहित भी किए गए। उन्होंने दृश्य चित्रकारी तो की ही, साथ में आप देख रहे हैं फूल बेचने वाले या बाजा बजाने वाले या गपशप करने वाले, बहुत ही साधारण से विषयों को अपने चित्रों के लिए चुना। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी मृत्यु तक लगातार काम किया और जीवन भर बहुत ही मेहनत के साथ काम करते थे।